नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो पहले क्लिप में आज तक की इन एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता को जब सीधा सवाल पूछ दिया तो कैसे बीजेपी के प्रवक्ता निशब्द रह गए, और ये एंकर बार बार बीजेपी की नीतियों पर सवाल करती रही और बीजेपी के प्रवक्ता हर बार उन सवालों का उत्तर ना दे सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तीनों कृषि कानून हटने के बाद से किसानों के लिए कम लाभदायक हो जाएंगी, फिर से उसी स्थिति में किसान पहुंच गए हैं। तो क्या सीधा मतलब ये है कि जब आंदोलन होगा तभी सरकार सुनेगी, बिना आंदोलन के सरकार नहीं सुनेगी? उन्हें भी बैठना चाहिए आंदोलन में, समर्थन वालों को? नहीं अर्पिता जी, देखिए भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कृषि कानून की वापसी की उसी दिन स्पष्ट किया था कि एक अच्छा कानून हम लेकर के आए थे किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन किसानों का एक वर्ग जिसको बहलाने फुसलाने का काम लगातार विपक्ष कर रहा था। पहले प्रधानमंत्री ही ये बात कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि ये MSP गारंटी कानून लाना चाहिए, ये सबसे फायदेमंद है किसान को लेकर। उसके बाद अब जो कमेटी बनी उस पर भी उनको भरोसा नहीं है, सारी बातों से मुकर रहे हैं, क्यों? देखिए मैं युद्धवीर जी की इस बात से मैं बिल्कुल तफाक नहीं रखूंगा, मैं सहमति व्यक्त करूंगा। आप अगर पूर्वाग्रह के साथ पहले ही इस कमेटी में है तो इस कमेटी में आपके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं, अगर आप पहले से ही पूर्वाग्रह रख रहे हैं। एक साल से ऊपर किसान बॉर्डर पर बैठे रहे और आप संवाद कर रहे हैं, संवाद क्या एक डेढ़ साल चलता रहेगा? 11 बार संवाद हुआ, 11 बार संवाद से हल निकालना, सिर्फ संवाद जरूरी नहीं है, हल निकालना जरूरी था। ये मानिए सर, संवाद में भी कहीं कमी रह गई होगी कि जल्दी हल नहीं निकल पाया। कांग्रेस की सरकार राकेश त्रिपाठी जी जब अपना मूल्य उनकी बर्बरता राकेश त्रिपाठी जी आपको दिख रही है, आपको टेनी साहब याद नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैं फिर देखिए नहीं सर, अब सीधा सवाल पूछ लूंगी तो आप कहेंगे नहीं, फिर आप बचेंगे सर। नहीं वहाँ लाठियां भांज रहे हैं, आपने एग्जांपल दे दिया, आपने कहा वहाँ बर्बरता हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसानों पर अगर ट्रक चल जाता है, जीप चल जाती है, उसकी जिम्मेदारी सर क्यों? टेनी जी को हटाएंगे क्या? मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूँ, लखीमपुर की जिस घटना की बात आप कर रही हैं उसमें कानून अपना पूरा काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जवाब दे देंगे कि राजस्थान या पंजाब में जो हो रहा है वहाँ कानून काम कर रही है। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे चहेते सुधीर चौधरी का न्यूज के प्रति डेडिकेशन, कि किस तरह से जब बीजेपी हारती है तो उनको इतना दुख लगता है कि वो भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के नेता या प्रवक्ता नहीं बल्कि एक न्यूज रिपोर्टर हैं, और हमारे ही देश के लोगों को बुरा भला बोलने में ये साहब कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे देश में चुनावों का मतलब होता है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, लेकिन वोटों के इन आंकड़ों से आगे एक और विश्लेषण भी होता है और वो है देश के लोगों के मन का विश्लेषण, क्योंकि लोग वोट वहीं डालते हैं जहां उनका मन कहता है। दिल्ली में एक बार फिर फ्री की बिजली, फ्री का पानी और मुफ्त बस यात्रा जैसे मुद्दे हावी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना है, उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। यानी दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है, और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि यही सुधीर चौधरी जब बीजेपी जीतती है तो कैसे इनके रंग और अंदाज बदल जाते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जो व्यक्ति ये समझता है कि इनको हम गोदी मीडिया क्यों बुलाते हैं, ये उन सभी के लिए उदाहरण है। आप शायद एक पत्रकार का क्या फर्ज होता है ये ना समझें, पर इतना तो जानते होंगे कि सिर्फ रूलिंग पार्टी का नाम जपना तो गोदी मीडिया ही कहला सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि वो किस तरफ हैं। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, वो लोग जिन्होंने गलवान में हुए हिंसक संघर्ष के दौरान अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं किया था, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यानी जिन लोगों ने कदम कदम पर मोदी को गिराने के लिए भारत को गिरा रहे थे, इस सब के बावजूद इन करोड़ों लोगों ने फिर भी मोदी को ही वोट दिया, और ये नतीजे आज ये बताते हैं कि हमारे देश के विपक्षी नेता, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार और हमारे देश के अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग जितना मर्जी फेक प्रोपेगेंडा चला लें, देश के लोग असली और नकली मुद्दों पर फर्क करना जानते हैं, और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है।
अगले क्लिप्स में आप सब खुद ही जान जाएंगे कि क्यों सारा देश इन चैनल्स के पत्रकारों को गोदी मीडिया बुलाता है। हम किसी नेता या पार्टी के पक्ष में नहीं बात रखते, पर अगर आप 2014 से पहले रूलिंग पार्टीज के इंटरव्यू या डिबेट देखेंगे तो जानेंगे कि तब पत्रकार रूलिंग पार्टी से कैसे मुद्दे के प्रश्न करते थे और कैसे तब पत्रकारिता का जमीर जिंदा था। एक गाना है, साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। When I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया, खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया, देश ना झुके इसलिए खुद झुके, देश को राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क समझा दिया मोदी ने, राजधर्म निभा दिया। मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं हैं? ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते, क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कैसे मैनेज करते हैं, थकान नहीं होती कभी? तो पहला क्वेश्चन है कि कैंपेन शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री जी हाउ इज द जोश? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF। मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं? एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दूसरा आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती है, आप उन पैसों का क्या करते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ये इमोजीज और ऐसी जो तमाम चीजें चलती हैं, क्या आप वो सब देखते हैं और उसमें उसके जरिए एक्सप्रेस करते हैं? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? अब सवाल देश में ये है, मोदी वर्सेस हु? मोदी ही मुद्दा है, ब्रांड मोदी बहुत विशाल हो गया, सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। In other words, Narendra Modi not just rededicated himself to the people of India, but he also said there was a quantum shift in the kind of politics India will see in the future. आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में। और Zee News के साथ तो उनका पुराना रिश्ता रहा है, और हमेशा जब भी कोई बड़ा दिन हुआ है, कोई बड़ा मौका हुआ है, उन्होंने हमेशा Zee News को समय दिया है। आपने बोला लोगों ने सहयोग दिया, मैं डालती हूँ इसमें मेरी मास्टरी है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बस थैंक यू। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपना लुक जो है वो चेंज किया, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सडननेस, द शियर सडननेस ऑफ द मूव, द अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द मूव, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द मूव, द फैक्ट दैट देयर वाज नो वार्निंग टू द चाइनीज। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी के कायल हैं और अमेरिकी मीडिया प्रधानमंत्री की यात्रा को अहमियत दे रहा है, तो इसके पीछे मोदी की कुशल आर्थिक रणनीति काम कर रही है। रिस्क के आगे मोदी है। आपको दिखाते हैं देश की सियासत में गहरी छाप छोड़ते प्रधानमंत्री मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर पर ये स्पेशल रिपोर्ट। करीब 86 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर बरसे, जमकर बरसे। आजादी से लेकर इमरजेंसी तक की उन्होंने याद दिलाई, अभिव्यक्ति की आजादी के हनन से लेकर कांग्रेस राज के राष्ट्रपति शासन तक गिनाए। रोशन करके अपनी किस्मत, वो सूरज की तरह चमकते हैं, कितनी भी कठिन हो राह मगर वो पीछे नहीं मुड़ते हैं, पा लेते हैं कामयाबी जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। कदम आगे बढ़ाया, कहा नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी है, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसे देखकर यही कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के नाम का बवंडर है। वो आया तो सबने कहा आने दो देख लेंगे, उसने देखा तो सबने कहा देखने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने जीत लिया तो सबने कहा भारतीय लोकतंत्र का इतिहास अपने नेपोलियन को देख रहा है और देख रहा है।
कि मोदी के सामने एक चुनौती तो पार्टी के अंदर भी अपने विरोधियों से निपटने की है। Look at the map. One second. It's exciting. This is exciting. Look at this. It's all saffron, west to east with few pockets of green. West to east is saffron. लेकिन उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि कैसे एक रुपया भी बेजा खर्च ना हो। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे अलग सोच वाला इंसान बनाया है, तो इसका मतलब कोई अदृश्य शक्ति नहीं, आइडिया बैंक है। शुरुआत हो गई, सेवा का अभियान चलाएं, साथ में सबका विकास कराएं, मोदी जी हैं ऐसे छाएं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएं, मोदी 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 मोदी। उससे तो यही लग रहा था कि वो भारत के पीएम नहीं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहां से वहां चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं, औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया है। जब अपनी चाल में मोदी चलते हैं मस्त, तो बड़े बड़े सूरमा हो जाते हैं पस्त। सबकी ताकत पड़ जाती है इनके आगे कम, तभी तो ये कहलाते हैं राजनीति के सिंघम। पूरे हिंदुस्तान को और इसकी 130 करोड़ जनता को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं और भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री उन उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसके सामने चूर हो जाए दुश्मनों का खम, कौन है जो इनके आगे दिखाएगा दम? आपके लिए कुछ किया क्या? नहीं किया ना। ना कभी शुगर लेवल ऊपर गया ना नीचे आया, और ना ही हार्ट को लेकर कोई दिक्कत आई। डॉक्टरों की टीम के पास कोई काम ही नहीं था। मोदी का फिटनेस पंडा ऐसा है कि डॉक्टरों का दिमाग भी घूमने लगता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नकारात्मक राजनीति को यही संदेश दिया है। सकारात्मक राजनीति कैसे देश का चरित्र बदल सकती है? इस साल सत्ता में लगातार बने रहने के प्रधानमंत्री के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं। कुछ साल मुख्यमंत्री के तौर पर तो कुछ साल प्रधानमंत्री के तौर पर, तो हुए ना ये 21 दिन यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल 21। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना मोदी। और आपको इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।